नमस्कार। हिंदी साहित्य में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से जो काल विभाजन किया गया है उसमें खड़ी बोली की कविता के संदर्भ में छायावाद एक प्रमुख युग है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। राज्यसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आज हम इसी छायावाद के एक विशिष्ट कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद करेंगे और याद करेंगे उनकी कुछ ऐसी रचनाओं के माध्यम से जिनमें संगीत का पक्ष मुखर है। निराला, जिन्होंने अपने समकालीन अन्य कवियों की तुलना में अपनी कविता के लिए कल्पना का कम सहारा लिया और यथार्थ पर उनकी दृष्टि सदा प्रखर रही। वैसे तो माना यह भी जाता है कि निराला ने हिंदी में मुक्त छंद की कविता का सूत्रपात किया, लेकिन छंद पर उनकी गहरी पकड़ थी जो उनके रचनाक्रम में सर्वत्र विद्यमान है। बंगाल की रियासत महिषादल में जन्मे निराला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के थे। बाद में वो 1941 में इलाहाबाद आ गए थे, जहाँ 1961 में अपनी मृत्यु तक रहे और साहित्य कर्म में संलग्न रहे। निराला बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में पारंगत थे और कविताओं के अलावा कहानियाँ, उपन्यास, निबंध और अनुवाद की उनकी किताबें आज हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। तो आइए नज़र डालते हैं निराला के निराले काव्य कर्म पर संगीत और गायन के झरोके से। वर दे वीणा वादनी, वर दे वीणा वादनी, वर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादनी, वर दे। निराला के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने ये बात कही, लिखी भी है कि रविंद्र, चूँकि उनको बांग्ला का बहुत ज्ञान था, बांग्ला बहुत जानते थे और संस्कृत का भी ज्ञान था, संगीत का ज्ञान था, उनको सारे स्वर लहरियों का ज्ञान था बाकायदा, तो वो चाहते थे कि जिस तरह रविंद्र संगीत बांग्ला में बहुत प्रचलित हुआ और बहुत सराहा गया, बहुत लोगों ने जन जन के मुख पर आया, बिल्कुल उसी तरह से एक निराला संगीत की रचना कर सकें। और बल्कि आप कह सकते हैं कि इसी निराला संगीत की रचना करने के उद्देश्य से उन्होंने गीतिका की रचना की थी। हमने जब छायावाद कविता के बारे में उसको कंपोज करने के लिए जब मन विचार मन में आया और बनाया उसको, तो हमने छायावादी कवियों को पढ़ना शुरू किया। जाहिर बात है कि उसमें सबसे पहले हमने निराला जी को पढ़ा। निराला जी को पढ़ते हुए उनके उसमें भी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि वो बहुत ही अच्छा गाते भी थे खुद भी, और संगीत का बहुत अच्छा उनको ज्ञान था। ये बात हमारे भी दिमाग में उनको पढ़ते वक्त हमेशा रही। और ये भी देखा हमने कि निराला जी ने स्वच्छंद तरीके की जो कविता होती है वो भी लिखी है, और जो बंद में है, जो मीटर में है, वो भी उन्होंने कविता लिखी है और बहुत सुंदर कविताएं लिखी है। जाहिर बात है बड़े कवि थे हमारे समय के, अपने समय के। तो जब हम पढ़ रहे थे तब ये एक कविता हमको बहुत पसंद आई, और जो एक कली के फूल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको उसको उद्घाटित करती हुई, उसको उसको उसके बारे में बात करती हुई ये कविता है कि टूटे सकल बंध
कली के दिशा ज्ञान गत हो बहे गंध, रुद्ध जो धार रे शिखर निर्झर झरे, मधुर कलरव भरे शून्य शत शत रंध्र, रश्मि रिजु खींच दे चित्र शत रंग के, वर्ण जीवन फले जागे तिमिर अंध, टूटे सकल बंध। तो ये कविता हमको बहुत मन को अच्छी लगी, और भाई जब हमने बहुत सारी कविताएं उनकी पढ़ी तो इस कविता को फिर हमने राग शंकरा में कंपोज किया, और इसकी ताल सूल ताल है 10 मात्रे की, और शंकरा में इस बंदिश को फिर हमने बनाया। टूटे सकल बंद, 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 कली के दिशा ज्ञान, कली के दिशा ज्ञान गत हो बहे गंध, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, कलि के दिशा ज्ञान, कलि के दिशा ज्ञान हो बहे गंध, टूटे सकल बंद, रुद्र जो धार रे, रुद्र जो धार रे, शिखर निर्जर जरे, शिखर निर्जर जरे, मधुर कलरव भरे, मधुर कलरव भरे शून्य शत शत बंद, टूटे सकल बंद, रश्मि रिजु खींच दे, रश्मि रिजु खींच दे, चित्र शत रंग के, चित्र शत रंग के, वर्ण जीवन फले, वर्ण जीवन फले जागे तिमिर बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, कलि के दिशा ज्ञान, कलि के दिशा ज्ञान गत हो बहे गंग, टूटे सकल बंद, सकल बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, बंद बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, बंद सकल बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, टूटे सकल बंद, बंद बंद, टूटे सकल बंद, कलि के दिशा ज्ञान, कलि के दिशा ज्ञान गत हो बहे गंध, टूटे सकल बंद, सकल बंद। ये जो दूसरा पद है
ताक कम सिनवारी, इसके प्रीफेज में निराला जी ने स्वयं लिखा हुआ है। और ये जब हमने पढ़ा तब हमको ये अनुभव हुआ कि निराला जी को ध्रुपद के बारे में या संगीत की अन्य विधाओं के बारे में, चाहे वो ख्याल हो या ठुमरी हो, उनको कितना गहरा ज्ञान था। क्योंकि इस कविता के बारे में उन्होंने लिखा है कि जैसे ध्रुपद में बोल बांट होती है, पद की बोल बांट होती है, उसी चलन पर, उसी आधार पर मैं ये कविता लिख रहा हूँ। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ताल तक स्पेसिफिक लिखी है कि ये सूल ताल में मैं निबद्ध ये बंदिश बना रहा हूँ, ये जो कविता है ये मैं लिख रहा हूँ। यहाँ तक भी ठीक है कि सूल ताल में लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद सूल और सादरे में फ़र्क भी लिखा है। ये बड़ी बात है कि सूल और सादरा दोनों 10 मात्रे की तालें हैं, और सादरे में क्या फ़र्क है और सूल में क्या फ़र्क है, ये एक कवि अपनी कविता के बारे में स्पष्ट करे, तो तब हमने, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं, और इसी आधार पर हमारा ये मन बना है निराला जी के लिए कि वो जितने बड़े महान कवि थे उतनी ही गहरी समझ उनको संगीत के बारे में भी थी, और वो खुद हारमोनियम भी अच्छा बजा लेते थे, शायद उनके पास हारमोनियम घर पर था भी, और उनको संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने कई रचनाएं, अपनी खुद की रचनाएं कंपोज करके भी गाई। तो ये ताक कमसिन वारी जो उन्होंने कविता लिखी है, इसके जो बोल बांट है, अब जैसे देखिए इसमें एक ही लाइन है, ताक कमसिन वारी, और ये एक तरीके से उन्होंने ये भी लिखा है कि निरर्थक शब्द हैं, इनकी इसकी मैं इनके मैं बोल बांट करके और मैं कविता लिख रहा हूँ। तो एक ही शब्द है ताक कम सिनवारी, यानी दो शब्द मान सकते हैं। तो पहली लाइन है ताक कम सिनवारी, दूसरी लाइन है ताक कम सिनवारी, फिर तीसरी लाइन है ताक कम सिनवारी, फिर सिनवारी सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ता ककमसी नवारी, ता ककमसी नवारी, ताक कमसी नवारी, ताक कमसिन वारी, कमसिन कमसिन वारी, इरावनी सम ककात, इरावनी सम ककात, इरावनी सम ककात, इराव निसम ककात, सम ककात सिनवारी, ताक कम 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 सिनवार, सिनवारी सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवार, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवार, सिनवारी सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक ताक कम सिनवारी, 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 कम सिन कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक
इरावणि समकगाद 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 समकगाद सिनवारी ताग कम सिनवारी ताग निराला जी की हमने और भी कविताएं कंपोज की हैं और समय कम है, लेकिन फिर भी ये एक और जो कविता हमको पसंद आई है और इसको ख़ास तौर से हमने राग यमन में चौताल में निबद्ध किया है। चौताल में इसलिए इसको बनाया कि इसका जो मीटर है वो हमको ऐसा लगा कि ये ध्रुपद की चौताल में फिट है। और इसमें आप ये देखेंगे कि नील नयन नील कमल इस तरीके का वर्णन है, तो ऐसे जैसे शिव जी का पूरा एक उन्होंने स्वरूप खड़ा करने की कोशिश की पूरी प्रकृति में, ऐसा हमको लगा। तो ये जो कविता है, नील नयन नील पलक नील वदन नील झलक, नील नयन नील पलक नील वदन नील झलक, नील कमल अमल हास केवल रवि रजत भास, नील नील आस पास वारिद नव नील छलक, नील नयन नील पलक। अब चूंकि समय कम है इसलिए ये कविता हम आपको नहीं सुना पाएंगे, लेकिन इसको हमने राग यमन और ताल चौताल में कंपोज किया है। निराला की एक कविता की और विशेष, गहन है या अंधकार, अंधकार को उनकी कविता में बहुत आता है। बल्कि उनकी जो अंतिम कविता कही जाती है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, उसी में बाद में आगे आता है कि अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है। तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, वहाँ भी अंधकार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनको आशा और निराशा इसका एक द्वंद्व उनकी कविता में दिखाई पड़ता है। पूरी उनकी कविता में आपको पाएंगे कि आशा और निराशा का द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि यह उनके जीवन में भी था। तो इस कविता में भी आप पाएंगे कि गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। शब्दों का आप प्रयोग देखिए, अवगुंठन क्या होता है, अवगुंठन घूंघट पर्दा, और स्वार्थ के अंगूठन, ये अंगूठन जो है ये स्वार्थ का है, कोई पर्दा ऐसा नहीं है। तो स्वार्थ का यह जो पर्दा इस कदर हमारे ऊपर पड़ा हुआ है कि यह लुंठन हमारा, यह
इसने हमें एक तरह से इसने चुरा लिया है, हमसे इसने हमसे ही हमको चुरा लिया है। गहन है ये अंधकारा, गहन है ये अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। गहन है ये अंधकारा, गहन है ये अंधकारा, खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर, बोलते हैं लोग ज्यों मुँह फेर कर, खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर, बोलते हैं लोग ज्यों मुँह फेर कर। इस गगन में नहीं दिन कर, इस गगन में नहीं दिन कर, नहीं शशिधर नहीं तारा, गहन है ये अंधकारा, गहन है ये अंधकारा, कल्पना का ही अपार समुद्र ये गरजता है घेर कर तनुरुद्र ये। हाँ, कल्पना का ही अपार समुद्र ये गरजता है घेर कर तनुरुद्र ये। कुछ नहीं आता समझ में, कुछ नहीं आता समझ में, कहाँ है श्यामल किनारा। गहन है ये अंधकारा, गहन है ये अंधकारा, प्रिय मुझे वो चेतना दो देह की, प्रिय मुझे वो चेतना दो देह की, याद जिससे रहे वंचित देह की, याद जिससे रहे वंचित देह की, खोजता फिरता न पाता, खोजता फिरता न पाता, हुआ मेरा हृदय हारा। गहन है ये अंधकारा, गहन है ये अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। गहन है ये अंधकारा, गहन है ये अंधकारा, गहन है ये अंधकारा। बांधो न नाव इस ठाँव बंध, पूछेगा साल सारा गांव बंधु, जैसी कविताएं आई। और उस आप पाएंगे कि बांधो न नाव इस ठाँव बंधु, उसमें भी बाकायदा वो पारंपरिक चीज़ों को भी ले आते हैं, प्राचीन चीज़ों को भी ले आते हैं। घाट वही है लेकिन उसका नया प्रयोग करते हैं। घाटों का प्रयोग पुराने कवियों ने भी किया है, बाकी और कह सकते हैं कि नाव का प्रयोग भी पुराने कवियों के यहाँ भी प्रतीक के रूप में प्रयोग आया है, लेकिन इनके यहाँ जब वो आ रहा है तो बिल्कुल नए तरीके से आ रहा है। भटियाली जो बांग्ला में भटियाली गीत होता है, उस भटियाली गीत का स्वर भी आप इसमें पाएंगे। बंधु जब कहते हैं, बांधो न नाव इस ठाँव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आँखें रह जाती थी फंसकर, तो जब वो ये कहते हैं तो उनको वो पूरा का पूरा एक लोक धुन में इसको पर बदल डालते हैं, और लोक धुन में बदल करके एक भटियाली बंधु यहाँ पर केवल भाई नहीं है, बंधु यहाँ मित्र है, बांग्ला से आया है, भटियाली गीत से आया है, जहाँ मित्र है, प्रिय है, वो कोई भी हो सकता है, वो बंधु हो सकता है। तो ये निराला की एक विशेषता थी जो बाद की कविताओं में दिखाई पड़ता है। बांधो नाव इस ठाँव बंधु, बांधो न नाव, बांधो न नाव इस ठाँव बंधु, बांधो न नाव,
पूछेगा सारा गांव, बंधु पूछेगा सारा गांव, बांधो ना नाव इस ठाव, बंधु बांधो ना नाव, ये घाट वही जिस पर हंस कर, ये घाट वही जिस पर हंस कर वो कभी नहाती थी धस कर, वो कभी नहाती थी धस कर, आँखें रह जाती थी फंस कर, आँखें रह जाती थी फंस कर, कंपते थे दोनों पांव, बंधु बांधो ना नाव, बांधो ना नाव इस ठाव, बंधु बांधो ना नाव, वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दांव, बंधु बांधो ना नाव, बांधो ना नाव इस ठाव, बंधु बांधो ना नाव, पूछेगा सारा गांव, बंधु पूछेगा सारा गांव, बांधो ना नाव इस ठाव, बंधु बांधो ना नाव, बांधो ना नाव, बांधो ना नाव। तो ये थी हिंदी के एक प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की स्मृति को समर्पित हमारी खास पेशकश। कार्यक्रम के बारे में आप अगर अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। नमस्कार। अभी न होगा मेरा अभी न होगा मेरा अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अभी न होगा मेरा, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लाल सा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अभी न होगा मेरा अभी न होगा मेरा अंत।